दोस्तों आज मैं आपको डिजी लॉकर ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ और साथ में मैं आपको प्रूफ के साथ ये भी बताऊंगा कि अगर आप डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट रखते हैं तो आपका चालान होगा या फिर नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिजी लॉकर क्या है। डिजिटल लॉकर या फिर डिजी लॉकर एक तरह से एक वर्चुअल लॉकर है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में ही लॉन्च किया था, मगर इससे जुड़े जो रूल्स थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2017 में नोटिफाई किया था। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल लॉकर में अपलोड कर देते हैं तो उसके बाद आपको वो डॉक्यूमेंट्स फिजिकली अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई भी ऑफिसर या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप डिजिटल लॉकर से वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं और वो उस ऑफिस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 सितंबर 2019 से मोटर व्हीकल एक्ट का वायोलेशन करने पर चालान का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो अगर आप अपने साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र या फिर इंश्योरेंस की ओरिजिनल कॉपी नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि कई बार बारिश की वजह से खराब हो जाती है या फिर चोरी भी हो जाती है, तो अगर आप साथ में नहीं रखना चाहते हैं तो आप उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करके डिजिटल लॉकर में सेव कर सकते हैं, और जब कभी आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है या फिर RTO वाले आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो वो आप डिजिटल लॉकर में दिखा सकते हैं और उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करने होंगे और आपका चालान नहीं कटेगा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको प्रूफ भी दूंगा, तो यह 7 सितंबर 2019 के न्यूज़पेपर की कॉपी, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि डिजिटल लॉकर मान्य, बेफिक्र होकर गाड़ी चलाएं, RCDL रखने को प्रयोग करें, डिजिटल लॉकर में दस्तावेज होने पर नहीं होगा चालान। यह आपको दिखाई दे रहा है, ये न्यूज़पेपर में आया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको डिजिटल लॉकर आपको किस तरह से यूज़ करना है। जैसे आप इसे आपको इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको साइन इन और साइन अप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जब आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको साइन अप करना होगा। साइन अप पर क्लिक करने के बाद यह आपसे आपका नंबर मांगेगा। आपको अपना नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा, उस OTP को आपको डालकर वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और एक पासवर्ड क्रिएट करना है, और कंफर्म पासवर्ड करने के लिए वही पासवर्ड डालने के बाद आपको साइन अप पर क्लिक करना है। अब आपका डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अपने अकाउंट की सेफ्टी के लिए आपको सेट पिन पे क्लिक करना है। सेट पिन पे क्लिक करने के बाद आपको पिन डालने का ऑप्शन आएगा। आपको अपना पिन सेट करना है, उस पिन को कंफर्म करना है और आपका पिन सेट हो जाएगा। नाउ दोस्तों, अब आपको अपने आधार कार्ड को अपने डिजी लॉकर से लिंक करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आपको डैशबोर्ड में जो नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है वहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है और यहाँ पे कंसेंट देने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा और ये OTP उस नंबर पे आएगा जिससे आपका आधार कार्ड लिंक है, तो आपका पास वो नंबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको वो OTP डाल देना है और OTP डालने के बाद आपका आधार कार्ड इससे लिंक हो जाएगा। उसके बाद आप चाहते हैं तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी यहीं से लिंक कर सकते हैं, बिना फ़ोटो क्लिक किए डाल सकते हैं। उसके लिए आपको दिखाई दे रहा है नोटिफिकेशन, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद आपसे ही आपका DL नंबर मांगेगा। आपको अपना DL नंबर डालना है, नीचे कंसेंट पर क्लिक करना है और गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। आपको आपका DL यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरह से आप अपना पैन कार्ड भी ऐड कर सकते हैं, अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी ऐड कर सकते हैं। सभी का आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाई देगा। और अगर आप कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट डालना चाहते हैं तो यहाँ पे अपलोड पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ से क्लिक करके भी आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आप इसे आपको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। धन्यवाद।